इस वर्ष चारधाम यात्रा में बीते वर्षों की तुलना में लगभग दुगने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसके चलते यात्रा मार्गों पर वाहनों की जाम की स्थिति बन रही है। ऐसे में इसके मुख्य कारण के तौर पर बड़ी गाड़ियों को माना जा रहा है, जिसे लेकर आईजी गढ़वाल करण सिंह नगलियाल ने बताया कि यात्रा मार्गों पर वॉल्वो साइज के वाहन आ रहे हैं, जो कि साइज में बड़े होते हैं। ऐसे वाहनों को पहाड़ी मोड़ों पर मुड़ने में समय लगता है, जिसके चलते जाम की स्थिति बन रही है। आगामी समय में इन रूटों पर सीमित साइज के वाहनों को चलाने की व्यवस्था करेंगे, जिससे इस प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो और श्रद्धालु भी सुगम सुरक्षित यात्रा कर सकें। पूर्व में इस तरह की दिक्कतें नहीं आई, ये पहली बार है, ये पहली बार है इस तरह की दिक्कत आई। तो आने वाले समय में ये भी एक नीति बनाया जाएगा कि बड़ी वाहनों को अलाउ नहीं किया जाए, कुछ ही इस तरह के साइज की गाड़ियों को परमिट किया जाए, छोटे गाड़ियों को प्रमोट किया जाए। छोटे वाहन स्विफ्टली जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी मोड़ा जा सकता है, लेकिन बड़े वाहनों को कहीं भी डबल लाइन वाले सड़कों में भी मोड़ने में दिक्कतें आ रही हैं। वो बहुत स्लो जा रही है, उसके कारण भी जाम का बड़ा कारण है। आज देख रहे होंगे विकास नगर में हमारे स्टाफ रात भर रह गए, 400-500 गाड़ी यहाँ रुका जा रहा है, डामटा में पार्किंग की जा रही है, ताकि किसी भी तरह से यातायात जो रुके नहीं, बाधित ना हो और ये चलता रहे। लेकिन सर कई ऐसे वीडियो भी। We'll be right back.